तो दोस्तों, जैसे कि आप अगर पुराना सब्सक्राइबर है तो ज़रूर मुझे जानते होंगे, पिछले कुछ महीने में हम लोगों का कुछ शेयर ने अब मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया है। चाहे वो थेलो ब्रोज ऑटो क्यों ना हो, चाहे वो रेप्रो इंडिया क्यों ना हो, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं। हालांकि कुछ शेयर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है क्योंकि उसका टाइम अभी तक नहीं आया है। बट दोस्तों, असली इन्वेस्टर तो बियर मार्केट में होता है। बुल मार्केट में पैसा लगा के तो कोई भी पैसा बना सकता है। पिछले 2-2.5 साल में जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया, जब पोर्टफोलियो नीचे की तरफ आया, तब मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो हम लोगों को होल्ड करने का पेशेंसी दिखाता है। कितना भी ऐसे लगा लो, हर एक ऐसे हीट हो जाता है और टाइम का बर्बादी होता है। पोर्टफोलियो देखेंगे तो खुद के ऊपर शक होने लगता था, बहुत सारे ऐसे चीज़ होता था। हालांकि दोस्तों, अभी भी कुछ शेयर में जो हम लोग फंसे हैं, तो अभी आपको एक ये क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, क्या ये स्टॉक का पीकिंग आपने सही किया था? क्योंकि अगर मार्केट इतना ऊपर आने के बाद भी ये शेयर और ये सेक्टर नहीं चल रहा है और फिर भी आप होल्ड करते जा रहे हैं, तो क्या श्योरिटी बनता है? क्या मैनेजमेंट श्योरिटी देता है अपकमिंग टाइम में इनको? अगर और भी 6 महीने 1 साल अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको रिटर्न बनेगा? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट लॉन्ग टर्म मतलब कितने लॉन्ग, ये भी आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है। मुझे पर्सनली यहाँ पे पिछले कुछ महीने में काम करते करते ऐसे फीलिंग्स हुआ है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहिए। मतलब जो चार्ट में, जो कंपनी में प्रॉब्लम है रिसेंट टाइम में, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। क्यों खमोखा हम एक कंपनी के पीछे पड़े जो मैनेजमेंट को लग रहा है अगले समय में उठेगा, बट अभी भी टेक्निकली यहाँ पे बाइंग नहीं बोल रहा है। बहुत बड़े इन्वेस्टर का अभी भी माल भरना पूरा नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को कई बार बोला है शिगाची फेयरकैम के बारे में, बट ये शेयर नहीं चल रहा है। बट हम लोगों का दूसरा शेयर जैसे तेलब्रोज ऑटो, रेप्रो इंडिया, और भी मैंने कई कई शेयर के आप लोगों के बारे में बताया जो मल्टीफोल्ड रिटर्न में है। बट एक चीज़ आप सोच के देखिए, यहाँ पे ये जो शेयर है, जो लोग बहुत दिन से होल्ड कर रहे हैं और इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ लग रहा है, यार ये तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, होल्ड ही करते। तो एंट्री से पहले इन लोगों को ये समझना ज़रूरी है, क्या यहाँ पे हम एक अनलिमिटेड डेज तक होल्ड कर सकते हैं? तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है, क्या यहाँ पे सिर्फ मनी सिक्योरिटी के लिए इस शेयर में मैं पार्टिसिपेट किया ना, सचमुच मैं रिटर्न चाहता हूँ? और वो भी ये चीज़ होना चाहिए, मुझे क्विक रिटर्न चाहिए कि नहीं? क्योंकि हर एक स्टॉक खरीदने से पहले सबसे पहले ये लिखना ज़रूरी है। मैं एक्चुअली पर्सनली लिखता हूँ क्योंकि पहले कुछ लॉस तो हुआ है, फिर मुझे समझ में आ चुका है स्टॉक पिक करने से पहले मुझे लिखना ज़रूरी है मैं इनको क्यों खरीद रहा हूँ, इस कंपनी का ओनरशिप मैं क्यों बनना चाहता हूँ, फिर मैं ओनरशिप कितने दिन के लिए रहना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही रहता है, तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है सब कुछ अच्छा है बट उसका भी डाउन टर्न चल रहा है। क्योंकि देखिए सिंपल सा है, आप तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं नहीं, बहुत बड़े इन्वेस्टर मेरे चैनल को फॉलो नहीं करता है। बट एक चीज़ मतलब मेरे जैसे अगर मान लो 10 लाख 15 लाख ऐसे कुछ कैटेगरी का है, तो ऑब्वियसली आपको अपना पैसे को रोटेट करते हुए रहना चाहिए। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आना चाहिए, सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन के ऊपर आप काम नहीं करेंगे, और अगर आप मार्केट से धीरे धीरे, मतलब अगर जहाँ पे 50% मिल रहा है, जहाँ पे 80% मिल रहा है, ये प्रॉफिट अगर आप नहीं निकालेंगे और अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल है। अब जितने सारे बड़े इन्वेस्टर बोलता है ना, हम यहाँ से 10x 15x करके लेके आते हैं, बट उन लोगों ने टाइम भी बहुत दिया। और सबसे पहले मुझे पर्सनली लगता है, दिस इज माई ओपिनियन, ये एक बार, एक 6 महीने बाद, 1 साल में नहीं हो सकता। अगर उसी सेक्टर का बहुत अच्छे तरीके से पीई रेटिंग नहीं हो रहा है, तो रिसेंटली कुछ समय में आप ये देख सकते हैं रेल सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, जो लोगों ने होल्ड करके, मतलब एक टेक्निकल का हेल्प लेते हुए यहाँ पे होल्ड किया होगा, उन लोगों को जरूर पैसा मिला होगा। हो सकता है ये सिक्लिकल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, बट एक जरूरी चीज, पैसा तो इसमें घुस रहा है ना, फंड हाउस इधर पैसा घुसा रहा है और आप दूसरे जगह पे अपना सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। भाई सिक्योरिटी ढूंढने के लिए तो FD अच्छा है ना, आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हैं? तो ये आपको यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब यहाँ पे मतलब उस दिन में मैंने प्रॉफिट भी काफी अच्छे बुक किया है, एंड उसके बाद मुझे समझ में आया स्ट्रेटेजी काम करता है। बहुत समय दिया, एक एक दिन 8 घंटे 10 घंटे समय दिया, सिर्फ वो ट्रेडिंग आवर में नहीं, उसके बाद भी फंडामेंटल पहले बहुत फॉलो करता था, अभी भी करता हूँ। फंडामेंटल इंटैक्ट होने के साथ साथ मैं अभी टेक्निकल के ऊपर ध्यान देता हूँ, और ये चीज़ मैंने देखा है शिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में भी ट्रू हो सकता है। देखिए, आपको बटन ढूंढने का तो जरूरत नहीं है ना, आपको क्या करना चाहिए, ऑपरेटर जो है, जो मोटा पैसे वाले है, उसका सॉल्व वो नीचे के लेवल में बाई करे, फिर एक स्टॉक जो है ना, एक अच्छे अच्छे पोजिशन में आ जाए, मतलब जिसको बोला जाता है स्टेज 2 में आ जाए, जिसमें अच्छा रफ्तार मिलता है।
रफ्तार भी बनाना है, ज़्यादा पैसा भी बनाना है, वो सारी चीज़ ठीक है। तो अगर आप स्विंग प्ले कर करके करेंगे ना, तो मुझे पर्सनली लगता है लॉन्ग टर्म से स्विंग में भी ज़्यादा पैसा मिलता है, और जो अभी मुझे पर्सनली लग रहा है यहाँ पे शिकाजी इंडस्ट्रीज में फिर से बन सकता है। मैंने कई बार आप लोगों को बोला, एक बार आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ज़रूर आपको ये चीज़ यकीन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बोलूंगा, अगर आप सचमुच इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका वॉच लिस्ट बहुत ही शानदार होना चाहिए। मैंने देखिए सबका वॉच लिस्ट बनाया, तो मतलब हर एक सेक्टर का वॉच लिस्ट बनाया। तो अगर आप एवरी डे बेसिस में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं पैसा कहाँ पे घुस रहा है, ठीक है, कहाँ पे घुस रहा है और क्या पे क्या क्या चीज़ हो रहा है। क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं फॉलो करेंगे, ये है सेक्टर निफ्टी, यहाँ पे इसका चार्ट पैटर्न आप रेगुलर बेसिस में, वीकली बेसिस में चेक नहीं करेंगे, तो आपको ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि यार पैसा कहाँ पे घुस रहा है, क्योंकि आप गलत जगह पे फंसे होंगे। बट मार्केट में तो पैसा चल रहा है, एक नहीं तो दूसरा सेक्टर में हर दिन पैसा घूम रहा है, तो आपको वो चीज़ देखना जरूरी है। बट एक चीज़ ये क्यों नहीं चल रहा था, वो आपको फंडामेंटल चीज से डॉट कनेक्ट करके समझना जरूरी है। एक चीज तो आप क्लियरली जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पे केमिकल सेक्टर में पैसा नहीं घुस रहा है। शिका जी बहुत दिन से इसीलिए इंतजार कर रहा था, और ये नीचे का बॉटम था, मुझे ये बॉटम पकड़ना पसंद है, तो इसीलिए मैंने उस समय में आप लोगों को बोला था। बट अभी मार्केट थोड़ा सा अपटिक में है, तो अगर आप जिस कंपनी बॉटम से उठा रहे हैं, ऐसे कंपनी आपको बहुत कम मिलेगा, बेहतर है जो स्विंग हो रहा है स्विंग के साथ जाए। देखिए मैं आपको ये शिकाजी इंडस्ट्रीज बोल रहा हूँ, शिकाजी इंडस्ट्री का टर्न टू मतलब शुरू हो चुका है। आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछले समय में ये चार्ट फॉल्स हुआ था, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर ऊपर चला गया था दो रात, एंड ये एक ट्रेंड लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। अगर आप देखेंगे जहाँ से ये गिरना शुरू हुआ था, ये गिरना जहाँ से शुरू हुआ था वो मैंने ड्रॉ किया, और देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर कितने समय से वेट कर रहा है। आप एक तरीके से बोल सकते हैं इसे रिटेस्ट भी लिया। देखिए चार्ट तब तक वैलिड रहेगा, कंपनी तब तक आप होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मतलब जैसन होल्डर बनने का आपका ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका ये 20 मूविंग एवरेज है, या अगर आप बहुत सारे बैक टेस्ट करके देखेंगे 10 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ से देखिए उठा, फिर यहाँ पे भी कंसोलिडेट करके उठा, मतलब यहाँ पे माल भर रहा था, फिर यहाँ पे देखिए 10 एंड 20 का सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए 10 से भी ज़्यादा 20 को रेस्पेक्ट दे रहा है। तो ये और थोड़ा सा स्क्वीज होने दीजिए, एंड अगर ये 20 का सपोर्ट लेते हुए डायरेक्ट ऊपर जाता है, तो ऑब्वियसली आपको ये स्विंग को राइड करना है, ठीक है, मतलब जितना ऊपर जाएगा आप नीचे का लेवल में अपना एसएल को ऊपर कर देंगे और आगे राइट करेंगे, ठीक है। अगर आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखेंगे ना, तो इसमें एक बहुत ही शानदार राउंडिंग होने का चांसेस नजर आ रहा है, जिसका पहले टारगेट है 360 के आसपास, और उसके बाद बहुत ऊपर जाने का हाईली हाईली चांसेस है, क्योंकि इस बार ऑपरेटर साहब ने यहाँ पे इसी जोन पे बहुत समय बिताया, और इसका फंडामेंटल के साथ भी बहुत सारे सूट करता है, क्योंकि ये कंपनी ने बहुत सारे ऑपरेटर का माल, मुझे पर्सनली लगता है, यहाँ पे ऊपर का लेवल में जो ऑपरेटर को फंसा दिया है, और इसीलिए ये जो फंडामेंटल क्या हो रहा है, स्प्लिट कर रहा है, शेयर स्प्लिट हो रहा है। शेयर स्प्लिट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे रिटेल लोगों को और भी इन लोगों ने अट्रैक्टिव करने के लिए कोशिश कर रहा है, देखते हैं इसका ये कोशिश कामयाब होता है कि नहीं, ठीक है। अगर ये ऊपर जाता रहेगा मैं इनके साथ राइड करता रहूंगा, पर्सनली मैं आपको बता दूं मैं नीचे के लेवल में बाई करके होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो देख सकते हैं आप एक बहुत ही शानदार वीकली इनसाइड बार है। यहाँ पे इसका हाई देखिए, हाई आप देख सकते हैं 319.80, इसका लो देखिए, लो है आपका 278, मैं ज़्यादा से ज़्यादातर 278 तक ही रख सकता हूँ। बट एक चीज़ देखिए, ये चार्ट ऊपर जाने का कोशिश किया था नहीं कर पाया, नीचे जाने का कोशिश किया फिर भी नहीं कर पाया, तो यह अब एक डिसीजन चल रहा है, एक डिसीजन चल रहा है, एंड यहाँ पे नीचे जाने का कोशिश किया नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एक बार फिर से ट्राई करेगा ऊपर जाने का, ठीक है। तो मुझे पर्सनली लग रहा है यहाँ पे दो फैक्टर हो सकता है, एक तो अर्निंग अच्छा आ सकता है, मार्जिन जो पिछले क्वार्टर में खराब हुआ था वो बेहतर हो सकता है, जिसके बलबूत पे ये शेयर ऊपर जा सकता है। ये वीकली चार्ट है, इसका अगर आप डेली में करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है। अर्ली एंट्री मत करिए दोस्तों, ये जो ऑपरेटर बार बार माल को नीचे दबज रहा है ना, ये कम से कम एटलीस्ट 310 के ऊपर, नहीं तो 315 के ऊपर आने दीजिए, बायर को नहीं तो ऑपरेटर को पूरी तरीके से अपने ये शेयर को कंट्रोल करने दीजिए। देखिए आप ये जरूर जानते होंगे ये एक दो दिन का खेल नहीं है, इसका फंडामेंटल चेंज हो रहा है, तो अभी जो पी में चल रहा है, हो सकता है आप 1-2 एक्स्ट्रा पी में खरीदें, बट जरूर आप एक जो ऑपरेटर है जो मेन जो डायरेक्शन दिखा रहा है उस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है, तुम अभी यहाँ पे बोल रहे हो बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया था। देखिए वो चीज़ भी मैंने आप लोगों को बोला था, एक तो ट्रेंड लाइन है, दूसरा क्या है, देखिए एक ही दिन में 20% रिटर्न अगर किसी को मिलता है, तो जहाँ पे सेक्टर ही नहीं चल रहा है, जहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़ के दम पे शेयर को ऊपर लेके जा रहे हो आप, तो सस्टेन करेगा क्या,
सस्टेन करेगा क्या? तो फिर तू बोल सकते हो यार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन में भी तो ये इंतजार कर रहा था। बट अगर आप देखिए यहाँ पे, इसीलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा ये आपको मैंने मतलब होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे भी आपको लग रहा है यार ये ट्रेंड जो सोच के मैंने लिया था वो नहीं हो रहा है, ऑपरेटर अभी इनको ऊपर लेने के लिए पसंद नहीं है, तो मुझे क्यों यहाँ पे जबरदस्ती यहाँ पे होल्ड करना है? मैं ऐसे करने वाले में नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज किया हूँ। तो बाकी मैंने सारी चीज़ बताया, इसका मतलब जो राउंडिंग है ना, राउंडिंग का 350 पहले टारगेट, एंड ऑब्वियसली लाइफ टाइम हाई, ये कब जाएगा? 2 साल के अंदर जाने का हाईली हाईली चांसेस।